लेकिन लोगों की क्या उम्मीदें हैं वो भी समझ लेते हैं, जोधपुर लेकर चलेंगे। इसके लिए राकेश भारद्वाज हमारे सहयोगी जोधपुर से कनेक्ट है। राकेश, जोधपुर के लोगों को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी? अगर संभव तो लोगों से बात करिए और समझिए कट टू कट कि क्या चाहते हैं भजनलाल सरकार के अंतरिम बजट से वो लोग। जी, अगर जोधपुर के युवाओं की और जोधपुर की जनता की बात करें तो निश्चित तौर पर जो इस तरीके से भजनलाल जी की सरकार बनी, जो उन्होंने वादे किए, जो संकल्प पत्र उन्होंने जो शुरुआत में घोषणा की थी, उन घोषणाओं पर जनता भी ये उम्मीद करती है कि वो सरकार उन घोषणाओं पर खरा उतरे। और ऐसे में कई लोग हमारे साथ भी हैं, मैं कैमरा सहयोगी कहना चाहूँगा कि उन लोगों से तरफ वो कैमरा बताए कि क्या है, हम चाय की एक खड़ी पर खड़े हैं जहाँ वो लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे कि जनता क्या उम्मीद करती है इस लेखा अनुदान बजट से। आप किसान वर्ग से आते हैं, व्यापारी वर्ग से भी, क्या उम्मीदें करते हैं सरकार के बजट से? सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल डीजल का भाव कम करें और किसानों का कर्जा मुक्ति करें, यही कहना चाहते हैं। कुछ युवा भी है, उनसे बात करना चाहेंगे। आप क्या उम्मीद करते हैं, आप युवा है, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए? सर, हम ये उम्मीद करते हैं कि हम तो स्टूडेंट हैं और हम यही चाहेंगे कि हमारे बजट के इस जैसे इस सत्र में बजट आया पिछली बार की तरह जो वादा खिलाफी हुई, शायद भगवान करे और सरकार चाहे तो इस बार ना हो और अच्छे से अच्छे भर्तियाँ और पूरी की पूरी प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो। ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी छोड़ दिया हमें। हम चाहते हैं सरकार से, हमारी की ये दरख्वास्त रहेगी कि भर्तियाँ पूरी कराए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें। हम यह और पेपर लीक वाला मामला उसको सुलटा, जैसे SIT गठन हुआ, ऐसा नहीं हो कि ये SIT गठन किया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, उसका पूरा उसका रिजल्ट है। कुछ लोग और भी है जिनसे बात करने चाहिए, हालांकि कुछ लोगों ने कहा है कि SIT का गठन तो हो गया लेकिन सरकार उस SIT गठन के बाद प्रॉपर कार्रवाई करे, ऐसा नहीं कि केवल गठन ही हुआ। आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार के बजट से? सरकार की वजह से महंगाई और भ्रष्टाचार और ये मुक्त होना चाहिए और गरीबों को रोजगार मिले। हाजी, बस यही उम्मीद है। आप मजदूर वर्ग से हैं, आप क्या उम्मीदें करते हैं सरकार से, कैसा बजट होना चाहिए? सरकार ये जो कोई घोषणा करती है रोजगार भत्ता देने की, रोजगार देने की, तो सोच विचार कर घोषणा की जाए और यदि घोषणा करते हैं तो उसको पूरा करे, ये उम्मीद रखते हैं हम सरकार से। जोधपुर की जनता कई और उम्मीदें, आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? महंगाई थोड़ी कम हो, रोजगार खुले, बस वही चाहते हैं हम तो, कि महंगाई कम हो, जितनी हो महंगाई कम हो, महंगाई बहुत है। आम आदमी जो है वो महंगाई से त्रस्त है और वो चाहता है कि महंगाई पर जो है वो कुछ तो रोकथाम हो जिससे कि महंगाई से उन्हें राहत मिल सके। एक युवा और भी है, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि आप क्या उम्मीद करते हैं, आप यूथ हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, क्या करते हैं? गरीबों की सहायता करें, कृपया करके उन पर सिस्टम हटाए, सब कुछ करें बस। तो देखा आपने, जोधपुर की जनता यही चाहती है कि गरीबी जो है वो उस पर गरीबी को कम करने के लिए निश्चित तौर से महंगाई पर भी सरकार उन्हें कुछ बजट में राहत दे और साथ में पेट्रोल डीजल के वेट पर कुछ कमी करे। बिल्कुल। तो राकेश, यहाँ पर लोगों की और जिस तरीके से आपने स्टूडेंट से, युवाओं से बात की, वो यही चाहते हैं कि जोधपुर के हिस्से में अगर इस अंतरिम बजट से कुछ आता है तो कुछ ऐसा हो जो उन्हें राहत दे, कुछ ऐसी योजना उनके लिए आए कि जिससे कि उनके भविष्य में वो उनको फायदा पहुंचाए। हालांकि पूर्ण बजट का हर किसी को इंतजार है। आशीष, जोधपुर की हमने बात कर ली है, हम लौटना चाहिए। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ, वो भी जुड़ चुके हैं लगातार, वो हमें अपडेट कर रहे हैं, तमाम उनके साथ गेस्ट भी मौजूद है। बिल्कुल शशि, मैं आपका रुख करूंगा। देखिए, हम लोग बहुत तरीके की बातें कर रहे हैं इस बजट को लेकर, एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करना बड़ा जरूरी है। सिंगल विंडो सिस्टम की बात हर सरकार करती है लेकिन वो उतना प्रभावी नजर आता नहीं है। इसको लेकर कैसे व्यवस्थाएं होंगी, क्या इसको लेकर कुछ जरूरत है ऐलान की? MSME सेक्टर की बात करना बहुत जरूरी, क्योंकि धुरी कही जाती है प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका MSME सेक्टर की, लेकिन वो भी इतना कुछ खास नजर आया नहीं राजस्थान में। इन चीजों को अगर देखा जाए तो कितनी आवश्यकता है कि इन चीजों पर फोकस सरकार का नजर आए ताकि हम उम्मीद कर सके कि अगला 5 साल बेहतर होगा इन सभी चीजों को लेकर, औद्योगिक विकास, निवेश, इन चीजों को लेकर। शशि, आशीष, MSME, एग्रीकल्चर, औद्योगिक विकास, निवेश, सभी पर बातचीत होगी और सरकार के विजन कि एक झलक यहां पर दिखाई देगी। हालांकि पूरा विजन तो इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जो लेखानुदान है, लेकिन RC चौधरी जी कांग्रेस के नुमाइंदे के रूप में हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे जो सवाल शुरुआत में आपने किया था कि क्या केंद्र के बजट की झलक, क्या डबल इंजन का असर दिखेगा, और दूसरा सवाल भी मैं लूंगा RC जी से, पहले इसका जवाब ले लेता हूं। RC जी, क्या दिखेगा असर?
देखिए शशि जी, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, एक पूर्ण बहुमत की सरकार को चुना है, इसलिए हम आशावादी लोग हैं, उम्मीद करते हैं कि जो भरोसा राजस्थान की जनता ने उन पे किया है, मोदी जी ने चुनाव के दौरान जो गारंटियां दी थी वो इस बजट के अंदर प्रतिबिंबित होंगी। लेकिन पूरे प्रदेश की जो एक शंका है कि जिस प्रकार से विधायक दल का नेतृत्व भी पर्ची के माध्यम से चुना जाता है, वित्त मंत्री की प्रतिभा पे किसी को शक नहीं है, लेकिन वित्त मंत्री आज बजट को पढ़ेंगी या बजट का अपना विजन पेश करेंगी ये राजस्थान की जनता निश्चित रूप से गंभीर तरीके से देखेगी। इसके अंदर एक वित्त मंत्री है, महिला है, 50% आबादी है, वो उस रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई है, टूरिज्म की जो हम लगातार जो बातें कर रहे हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनी, चाहे रूरल टूरिज्म पॉलिसी हो, चाहे फिल्म के जो प्रमोशंस की पॉलिसी हो, चाहे होटल्स को इंडस्ट्रीज का देने का वादा हो, या फिर जीडीपी के अंदर जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हो, तमाम सब चीज़ें हैं। उसके साथ साथ में जो राजस्थान की जो आर्थिक विकास की दर देश के अंदर नंबर 2 पे आती है, वो तमाम उन वर्गों का योगदान है, चाहे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर के लोग हो, चाहे सर्विस सेक्टर के लोग हो। उस गति को क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए रखेगी, क्योंकि राजस्थान की जो आर्थिक विकास दर 11.04% है, प्रथम नंबर पे आंध्र प्रदेश आती है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। इसे डबल इंजन की जो सरकार है उनका हम स्लोगन्स देने में कहीं पे उनका सामना नहीं कर सकते, नैरेटिव बनाने में हम उनका सामना नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा सामना नहीं कर सकते तो फिर क्या चुनावों में सामना कर पाएंगे? अगर नैरेटिव बनाने में, स्लोगन देने में सामना नहीं कर पा रहे तो, क्योंकि चुनाव भी तो इन सब चीजों से जुड़े होते हैं। निश्चित रूप से जो चुनाव से जो जुड़े होते हैं, जो गारंटी उन्होंने जो दे की कही, राजस्थान की एक कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, भरोसा किया है, चढ़ गई हर बार, एक बार कांग्रेस की काठ चढ़ रही है, एक बार बीजेपी की काठ चढ़ रही है, नहीं चढ़ी, इसलिए नहीं चढ़ी, जो हम पॉलिसीज लेके आए थे वो पॉलिसीज का पता चलेगी। ये राजस्थान बड़ी सूझबूझ के साथ में जिम्मेदारी देती है, 2018 के अंदर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाई और 25 के सांसद भारतीय जनता पार्टी को देके भेजे। अभी चुनाव आने वाला है, उसके अंदर पूरा नतीजा देखेगा। जो उन्होंने स्लोगन्स कॉइन किए, नैरेटिव बनाने का जो प्रयास किया, राजस्थान को रेपिस्तान कहा, राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को लेके कहा, राजस्थान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो कानून, जो राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने बनाया, लेकिन पेपर लीक का एक नैरेटिव बनाया गया, जब पेपर लीक, अभी जो 2 पेपर हुए, पेपर लीक हुए, लेकिन सरकार जब उसकी जाँच नहीं करेगी, सैया भय कोतवाल तो डर खाएगा। जरूरी यह है कि अपराधी और सरकार जब साठगांठ कर लेंगे तो फिर उसको उठाएगा कौन? इसलिए हम तो जो जनता है वो देख रही है, बड़ी सूझबूझ के साथ में देख रही है। हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम राहत का पिटारा भी खुलेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा का जो मॉडल जो इस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने जो दिया, चिरंजीवी बीमा योजना से पूरे प्रदेश की आबादी को एक सुरक्षा कवच दिया, उसको और बेहतर तरीके से कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, मेडिकल में जिस प्रकार की कोविड की जो आप चर्चा कर रहे थे, जिसकी आप बार बार चर्चा कर रहे थे, उस दौरान भी राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो देश की अर्थव्यवस्था में अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो देश की विकास दर है उससे ज्यादा राज्य की विकास दर है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट के अंदर तमाम तथ्यों देश से ज्यादा राज्य की विकास दर है। लेकिन आपकी दो बातों पर मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, बीजेपी की तो बारी आएगी जब बीजेपी किस तरीके से रखेगी, लेकिन एक आपने कहा दिया कुमारी रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई है, अब तो लोकतंत्र है, जनता ने उनको चुनकर भेजा है। दूसरी बात आपने कही पर्ची की सरकार है, विधायक दल का नेता भी पर्ची से, ये तो कांग्रेस की ही परिपाटी रही है, ऑब्जर्वर आता है, आलाकमान से नाम लेकर के आता है, उसका ऐलान कर देता है। शशि जी, कांग्रेस के अंदर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की बीट को आपने कवर किया, तमाम जो हमारे विधायक थे एक एक विधायक से बात की गई, एक सीट पे हमारा विधायक चुना जाना था, हमने तब तक इंतजार किया उस विधायक की राय भी शामिल हो। जब व्यक्ति से व्यक्तिगत राय शुमारी होती है, उसकी बातें आती है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे हर राजनीतिक दल अपना फैसला छोड़ता है, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपना फैसला देके राज्य के अंदर भेजे, ये राजस्थान में पहली बार देखा। विधायकों को बुलाया गया, एक पर्ची को किसी पूर्व मुख्यमंत्री को दिया गया और उसे पढ़ा गया, लेकिन जनता इस बात को भी गंभीरता से उनके राजनीतिक निर्णय पे प्रश्न चिन्ह लगाती है राजे जी की, कि उस पर्ची में काश अपना ही नाम पढ़ लेती तो सामने की विधायक। ठीक है शशि, जाहिर तौर पर देखिए ये तो एक तरीके से पॉलिटिकल बयानबाजी, लेकिन सबके बीच में जिसकी हम लगातार चर्चा आज कर रहे हैं, इंटरप्ट में इसलिए आपको कर रहा हूं क्योंकि समय का थोड़ा अभाव, हमको ब्रेक पर जाना है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं और इन सभी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि इस लेखानुदान बजट में क्या है। देखिए बड़ी चीज ये कि 3-4 महीने के बजट आना है, इसके बाद लोकसभा चुनाव, उसके बाद में हो सकता है बहुत जल्द सरकार कोशिश करेगी पूर्ण बजट जो है वो जनता के सामने रखा जाए, लेकिन इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, नई भर्तियां, युवा जो है वो टकटकी लगाए बैठे हैं, पेट्रोल डीजल को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि भाई इस पर कैसे वैट घटाया जाएगा, कैसे ये चीजें कम होंगी, साथ ही साथ में ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर ली जाए, स्टार्टअप्स के लिए लोन देने की बात की जाए, ये सब युवाओं से जुड़े विषय हैं। क्या ये सब नजर आ सकता है, क्या इसकी झलक नजर आ सकती है ठीक आधे घंटे के बाद, जो भी हलचल बढ़ेगी विधानसभा में, कार्रवाई शुरू होगी सदन की, उसके बाद में जो बजट पेश होगा सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, चर्चा भी साथ साथ में जारी रहेगी, लेकिन इस बीच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।